आई एम नॉट अ पंजाबी दुल्हन, एक्चुअली आई एम अ जाट बहू. लेकिन मैंने सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, एक ही बार लाइफ में चांस मिल रहा है तो अपने फेवरेट कलीरे पहन लूं. आज तक मुझे ऐसी नर्वसनेस कभी नहीं हुई है, इतनी कि आज तो मेरी स्माइल भी फ्लिकर कर रही थी और आज एक्चुअली नजरें अपने आप झुक रही थी. इन दोनों फीलिंग्स को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता. सीरियल में जो भी बनी वो सब एक्टिंग थी, क्या एक्चुअल फीलिंग होती है इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली आई एम द लकीस्ट ब्राइड टुडे. हाँ जी, मैं बहुत, हाँ वो जो नाच था वो सिग्निफाई करता है कि कितना खुश हूँ मैं. आई फील वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी मैरिड टू अ वूमन लाइक हर. एंड या आई जस्ट थैंक माय स्टार्स. नहीं, मानसून ने तो और बढ़ा दिया है. रोमांस बढ़ता है मानसून में, कम नहीं. हाँ, मानसून में और बढ़ जाता है. बस थोड़ा सा और रोमांटिक म्यूजिक की जरूरत है, बस फिर माहौल कंप्लीट है. हम लोग हमेशा से मानसून वेडिंग चाहते थे. इट जस्ट सो हैपेंड दैट वी डिस्कस्ड इट और इसी साल का हमारा डिसाइड हो गया डेट्स. सो वी आर वेरी हैप्पी. अब बस एक रेन डांस की जरूरत है. पहली बार, मतलब आज पहला. मैंने तो मेरा वॉइस ओवर था इनको देखकर, पटाखा लग रही है. लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे उस टाइम. मैंने कहा यार सीरियसली, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग, शी इज़ लुकिंग द बेस्ट दैट शी इज़ एवर लुक्ड. सो थैंक यू. अरे विवेक तो हमेशा ही हैंडसम लगते हैं. कल जब संगीत था और आज मेरी नज़रें ही नहीं हट रही इनसे, बार बार नजरें नीचे करनी पड़ रही है ताकि टिक न जाए. तो मुझे हमेशा से डाउट होता था, मैं इनसे पूछता था शादी करने से पहले कि यार तुम इतनी बार दुल्हन बन चुकी हो शो में, तुम्हें एक्साइटमेंट होगी क्या, वो शर्माना असली में आएगा कि वो उस टाइम भी एक्टिंग करोगी जिस दिन शादी होगी. तो और इनका हर बार रिस्पॉन्स होता था नहीं नहीं उसकी फीलिंग कुछ और होती है. लेकिन आज मैंने देख लिया कि हाँ ये वाकई में मुझसे शर्मा रही थी, नज़रें झुका रही थी. तो मैंने कहा ओके, ये दिस इज़ इट. नहीं वो एक्चुअली वेदर ने परमिट नहीं किया और गाड़ी अच्छी थी यार, कन्वर्टेबल कार थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं, है ना. ओ सो स्वीट. अभी तक हमारा बरमाला हुआ है, हम बरमाला अंदर छोड़ कर आए क्योंकि काफ़ी भारी था और बहुत सुंदर था. इसके बाद अब हमारा फेरा है, उसके लिए मैं जाऊंगी जल्दी से कॉस्ट्यूम चेंज करूंगी अपना, क्योंकि वो मेरे मामा जी की दी हुई ड्रेस में होता है, येलो कलर का लहंगा पहनूंगी मैं. एंड बिफोर वी फॉरगेट, आई वुड लाइक टू थैंक अ फ्यू पीपल जिन्होंने हमारी इस वेडिंग को बहुत सक्सेसफुल किया है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ में द वेडिंग स्टोरी एक बहुत ही रिकोगनाइज फोटोग्राफर्स ग्रुप है, वो हमारी पूरी वेडिंग को कवर कर रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी विद द आउटपुट्स. एंड देयर सचिन ऑन बोर्ड एंड देन देयर जे डी इवेंट्स जो कि इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं हमारे. दे हैव कम डाउन ऑल द वे फ्रॉम वेरी एफिशिएंट. या दे आर मैनेजिंग इट वेरी वेल. हाय, कोई है इधर जेडी? हां ये खड़े हैं. वेरी गुड यार, एक्सीलेंट जॉब. माय मैनेजर्स आउट हियर, श्रुति. हां मैनेजर्स, या दे आर ब्रिलियंट. माय गॉड, वी हैव सच एन अमेजिंग टीम ऑफ पीपल विद अस. आवर मैनेजर्स आर आवर सोल्जर्स. ये हमेशा तैनात खड़े रहे. Come down to Bhopal with her puppies, chota chota, two twin babies. Because they are very thankful to them. और फिर रहते नहीं क्या ना थैंक यू बोलने के लिए भी? हाँ. और फिर रहते नहीं क्या? और कोई बाकी हमारी फैमिली. So I'm not a Punjabi dulhan, actually I'm a Jat bahu.
लेकिन मैंने सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, एक ही बार लाइफ में चांस मिल रहा है तो अपने फेवरेट कलीरे पहन लो। क्या हुआ? सॉरी, ऐसे होता है जब ज्यादा प्लांट करो ना चीजें तो पूरी तरह से पलट गया मैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? वेल, मैंने मेरी ड्रेस पूरी डिजाइन की है खुद। मैंने लहंगा जो है, इसका स्कर्ट, वो मैंने सूरत से बनवाया था, नक्काशी से। एंड जो मेरी मेरा जो चोली है और चुनरी वगैरह, ये मेरी फ्रेंड हेजल ने बनाया है। मेरी विवेक दोनों की फ्रेंड है वो। सो बहुत चुन चुन के मैंने एक एक ड्रेस बनवाई है, हर चीज़ अलग अलग जगह से बन के आई है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द आउटपुट, फाइनली इट टर्न आउट। मेरा क्या, हाय, थैंक यू। ही गॉट हिज ड्रेस फ्रॉम टीसा। So my entire wardrobe, my entire trousseau has been designed specially by Tisa, and they're fantastic. So yeah, I'd like to thank them. Hello. So this is the first bouquet that Vivek Dhaiya is going to give to his missus. हम लोग कल नहीं जा रहे, कल नहीं जा रहे, परसों हो सकते जा रहे हो। पता नहीं हमारे हम फ्लाइट फ्लाइट पकड़ भी पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे एक्चुअली। इतना बड़ा टाइम क्रंच है अभी। एक्चुअली जैसा होना चाहिए शादी बिल्कुल वैसी ही हो रही है। मेरे घर से मेरी विदाई हो रही है, मैं अपने ससुराल पहुंचूंगी चंडीगढ़, वहां पे प्रॉपर रिसेप्शन होगा, पार्टी होगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे मुंबई और पार्टी। ऑलराइट, सो वी आर डन। सी, आई फ्रैंकली आई रिस्पेक्ट हर, बट ये खबरें कहाँ से बनती हैं? सीरियसली, यानी कि नहीं आई? ऑब्वियसली नॉट आई, क्या? शी इज नॉट हियर। थैंक यू।